राधे राधे, आज मैं खीर बना रही हूँ। वैसे तो खीर सब अपने तरीके से टेस्टी बनाते हैं, लेकिन मैं आज फ्रूट खीर बना रही हूँ। और ये 1 किलो दूध ले लिया अमूल का फुल क्रीम, और इसको मैं गाढ़ा होने तक ऐसे ही बॉईल करूँगी। उधर कुकर में आलू चढ़ा लिए मैंने, और ये एक अनार छील लिया, और सेब भी बारीक बारीक कट कर लिया है 2 चीकू, और अंगूर अंगूर को भी मैंने कट किया है बारीक बारीक से, आगे पीछे से काट कर। और इसमें क्या क्या डालूंगी आप वीडियो में बने रही और देखते रहिए। और ये चेरी है, इसको भी मैं कट कर लूँगी। अब मैं चेरी को कट कर लेती हूँ। इलायची का पाउडर बना के रख लिया मैंने, और दूध को बॉयल होते हुए 15-20 मिनट हो गई है, लगातार बॉयल हो रहा है, और उसको मैं हिलाती रही हूँ बीच बीच में। और ये 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये भी अमूल का ही है, और ठंडे पानी में मैं इसको घोल लूँगी ताकि गांठे ना पड़े। और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही हल्का सा घोल कर रख दूंगी, और फिर बाद में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा पानी के साथ, गांठे वगैरह कुछ भी नहीं बनेंगी। अगर इस तरीके से मिल्क पाउडर पानी में मिला कर रखते हैं तो इसकी गांठे वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और अब मैं दूध को देख रही हूँ, और दूध को करना हमें गाढ़ा। और इसमें मैं खांड वगैरह जो भी डालूंगी वो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूंगी, और जो भी इसमें डालूंगी वो भी आपको दिखाती रहूंगी। और मिल्क पाउडर को मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी, और मैंने गैस को चेंज कर दिया है, दूध उधर रख दिया है बॉयल होने के लिए, और इधर आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, उधर गैस मीडियम है और इधर वाली ये तेज है, इसलिए उस मीडियम गैस पे दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब मैं ये मिल्क पाउडर जो मैंने घोल के रखा था उसको भी उस दूध में ही डाल दूंगी ताकि दूध इसके साथ गाढ़ा हो जाए। और दूध को हमें अच्छे से गाढ़ा करना है, रबड़ी से थोड़ा सा कम लेकिन वैसे गाढ़ा करना है। तो ये दूध बॉयल होता रहेगा, और अब इसमें मैं डाल दूंगी खांड। खांड चीनी आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और 1 किलो दूध के अकॉर्डिंग मैं इसमें 2 चम्मच ये खांड डालूंगी ताकि अच्छे से मीठा हो जाए। और मीठा आप अपने दूध के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डाल सकते और हैं। खांड डालने के बाद इसको मैं हिला दूंगी, और गैस मेरी सिम है। और ये है इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया था, और वो भी दूध में डाल दिया है। और इस तरीके से फ्रूट खीर बहुत ही टेस्टी लगती है, कुछ अलग भी है, और खाने में भी टेस्टी है। चावल की, सामक की, साबूदाने की और सूजी की खीर तो हम बहुत बार खाते हैं, लेकिन इस तरीके से फ्रूट की खीर बना के खाओगे तो बहुत ही अलग से टेस्ट आता है, और लगती भी टेस्टी है, और दूध भी गाढ़ा 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 टेस्टी लगता है इस खीर में। अब इस तरीके से हिला हिला कर ही दूध को गाढ़ा करना है, अगर ऐसे छोड़ दूंगी तो नीचे लग जाएगा, क्योंकि इसमें मैं मिल्क पाउडर भी डाल चुकी हूँ। और ये दूध गाढ़ा हो गया है, चम्मच पे भी जमने लग गया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और गैस को कर दिया मैंने बंद, और दूध ठंडा हो चुका है अच्छे से। और अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने फ्रूट कट किए थे वो सब, ये अंगूर और ये सेब और ये चीकू, और जो भी आप फ्रूट खाना चाहें वो डाल सकते हैं। अब मैं डाल दूंगी अनार, और अब डाल दूंगी वो चेरी, इसको भी मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया था। और बहुत ही टेस्टी फ्रूट खीर बनी थी, और ठंडी ठंडी खीर बहुत ही टेस्टी लग रही थी। लीजिए, फ्रूट खीर बनानी मैंने आपको दिखा दी है और अटके बनाई है, बिल्कुल न्यू टेस्ट है। और अब मैं लगा दूंगी गोपाल जी को भोग। और खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी, देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है। तो चलिए, मैं गोपाल जी को भोग लगा के आ चुकी हूँ, और बहुत ही टेस्टी खीर लग रही है। एक बार आप भी ज़रूर बनाकर खाएं इस तरीके से फ्रूट खीर। और फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।